बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट टू के ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे। तो इस वीडियो को भी मैंने इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप ए उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पास होना है, और ग्रुप बी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली नजर अच्छे मार्क्स से पास होना है, वो चाहते हैं कि उनको सात में से जो सा है पांच या छह क्वेश्चंस आए, और ग्रुप सी उनके लिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस हमें कम क्वेश्चन बताए जाए, वो सिर्फ ग्रुप ए कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है ग्रुप ए, जिसमें आपने आठ सवाल करने हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास सियासी हिकमत अमली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, ठीक है। इसका आपको जो भी मटेरियल मिले वो आप जो सा है अपना तैयार करें। अब इसमें से सवाल इस तरह है, आपने इसका क्या क्या याद करना है। एक तो आपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती क्या है, इसके कंपोनेंट्स, इम्पोर्टेंस, डिफरेंस, और इसी तरह आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी में जो डिफरेंस है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह लिंक बिटवीन आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी विद एग्जाम्पल्स, और इसी तरह लिंक बिटवीन स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी तरह आइडियोलॉजी एज अ स्ट्रेटजी एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स, ठीक है। तो इसकी एग्जाम भी तो आपने उर्दू वालों के लिए ये है कि आपने सियासी हिकमत अमली की अहमियत, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके अज्जा, और इसी तरह आपको नजरिया और हिकमत अमली का डिफरेंस भी आ सकता है, और इसी तरह सियासी हिकमत अमली और माशरती तरक्की का ताल्लुक भी आ सकता है, और नजरिए का हिकमत अमली से भी ताल्लुक आ सकता है कि मिसालों के साथ नजरिए का हिकमत अमली से ताल्लुक वाजे करें, और इसी तरह नजरिया हिकमत अमली के तौर पर एक्सप्लेन करें और इसकी इकसाम बताएं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक एड, ठीक है, मुआशी इमदाद। तो इसमें सवाल सिंपली वो स्ट्रेटजी पूछ सकता है इकोनॉमिक एड की, और इसी तरह उसकी टाइप्स फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एड पूछ सकता है, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक एड, और इसी तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है, और इसी तरह रिलेशन ऑफ द इकोनॉमिक विद पॉलिटिक्स, ठीक है। उर्दू मीडियम वालों के लिए मुआशी इमदाद की हिकमत अमली, इसकी इकसाम, इसके फायदा नुकसान करने हैं, और इसी तरह सियासत का मुल्की कानून से जो ताल्लुक है वो भी आपने पढ़ लेना है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वार के ऊपर, ठीक है, जंग। इसमें से इसकी काइंड्स आ सकती हैं, लिंक बिटवीन वार एंड नेशनल इंटीग्रेशन आ सकता है, वार एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, मतलब जंग की इकसाम आ सकती है, जंग और कौमी इत्तेहाद के दरमियान ताल्लुक आ सकता है, जंग अमन का जरिया कैसे बन सकती है, ये आ सकता है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फौजी हिकमत अमली मिलिट्री स्ट्रेटजी, ठीक है। इसकी टू थ्योरीज आ सकती हैं, टू थ्योरीज ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी इन डिटेल, या फिर लेट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सियासी और फौजी हिकमत अमली के दरमियान ताल्लुक बताएं, या फिर फौजी हिकमत अमली के दो नजरियात बताएं। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है डिप्लोमेसी सफारतकारी, ठीक है। इसकी सिंपली इसके ऊपर नोट आ सकता है, इसकी टाइप्स भी पूछी जा सकती है, और इसकी अहमियत इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है कि सफारतकारी क्या होती है, इसकी एग्जाम और इसकी अहमियत। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तनाजियात का हल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, इसका सिंपली तस्वीर आ सकता है, जैसे ये चार बार रिपीट हुआ है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है कौमी मुफाद नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर भी सिंपली नोट्स आ सकता है, या फिर इसकी एग्जाम काइंड आ सकती हैं, या फिर इसकी एग्जाम्पल्स मिसालें आ सकती हैं, कौमी मुफाद नेशनल इंटरेस्ट। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है पॉलिसी साजी, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि पॉलिसी मेकिंग इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज रिसोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। आपने जब हो रही मुआशरे में पॉलिसी साजी का अमल पढ़ लेना है, इसके जराय पढ़ लेने हैं और इसकी अहमियत पढ़ लेनी है। इसके बाद आपका आता है ग्रुप बी, जिसमें आपने 12 सवाल करने हैं। तो इसमें जो सवाल है वो है न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन जौहरी फैलाओ, या फिर क्रिटिसाइज द रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का किरदार जौहरी फैलाओ में, इसका तनकीदी जायजा लें, ठीक है। तो ये आपने जौहरी फैलाओ वाला सवाल करना है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो तीन बार रिपीट हुआ है वो है पॉलिटिकल कल्चर, सियासी कल्चर, ठीक है। इसकी अहमियत आ सकती है, इम्पोर्टेंस आ सकती है इसकी जमहूरियत में, कि सियासी कल्चर में जमहूरियत, सियासी कल्चर की जमहूरियत में क्या अहमियत है। इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्वेश्चन है आपका, वो है ताकत का तवाजन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर्स, इसका तस्वीर आ सकता है, जो कि तीन बार रिपीट हुआ है। इसके बाद आपका
जो टॉपिक है, सवाल है, वो है गेम थ्योरी। ठीक है, गेम थ्योरी भी आ सकती है और इसकी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है, इसकी अहमियत भी आ सकती है, जो कि 3 बार रिपीट हुई है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं ग्रुप सी, जिसमें आपने मजीद 2 सवाल करने हैं, मतलब टोटल आपके हो गए 14 क्वेश्चन। लेकिन आप ग्रुप ए 8 सवाल कर लेंगे तो इनशाला आप पास हो जाएंगे, उनमें से इनशाला 4 सवाल जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ग्रुप सी में 14 सवाल हैं, जिसमें 2 सवाल जो से हैं वो है क्या है, एक अलायंसेस इत्तेहाद और अलायंसेस की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ अलायंसेस। ठीक है, और लास्ट जो आपका सवाल है वो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सियासत में फौज का किरदार, रोल ऑफ मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और इसके कॉजेज भी आ सकते हैं, इसबाब भी आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आप न्यू हैं। थैंक यू सो मच।